अपनी तरफ से क्या रणनीतियाँ रखी हैं? पता नहीं, मेरे एडवोकेट है सौरभ साहब और फाल्गुनी, इधर देख जरा कि वो लोग चाहेंगे। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, वो रेप केस आ गया है मैसूर से। मैंने क्या किया यार, एक तरफ रेप केस है, तरफ प्रेगनेंसी की खबर है। राखी जी, सुनने में आया कि और भी शादियां उन्होंने की है मैसूर में, ऐसा कुछ पता चला है उसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ बातें हैं आप मीडिया के माध्यम से रख सकती हैं जिससे कि जनता तक आपकी बातें पहुँचे। अगर सचमुच बैंगलोर मैसूर में आदिल ने किसी लड़की से शादी की है, क्योंकि मेरे पास इसके एक मिनट, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं बैंगलोर मैसूर से, तो जिनसे शादी करी है अगर वो सामने आए या मुझे कांटेक्ट करके मिले किससे शादी करी है बस। और रेप केस, दिस इज शॉकिंग मेरे लिए, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो लड़की ने मुझे कल फ़ोन करके कहा आपसे शादीशुदा में था, चुप रहने में नहीं, उसको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उससे प्यार का वादा किया, प्यार का वादा किया और शादी का वादा किया उस लड़की से, और ये सब करता रहा। उसको मालूम है कौन से होटल में गए थे, उसके घर में गए थे। लड़की खुद कह रही है, उसके भी वीडियो वायरल हुए हैं। बीते वक्त में आदिल आपके साथ रहे और उनके साथ रहने पर कि आपको ऐसा कभी लगा नहीं, आपको लगा कभी नहीं ऐसा कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, किसी प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं? मुझे हमेशा लगा, शादी के एक डेढ़ महीने के बाद ही मुझे लगना शुरू हो गया, लेकिन मैंने हमेशा उनको मौका दिया, हमेशा उनकी गलतियां माफ़ करी, क्योंकि बार बार उन्होंने भाई पवित्र पाक किताबों की कसम खाई, तो मैंने विश्वास किया और मैं हमेशा उनको माफ़ करती गई। मैंने उनके कहा जाने दो, मैं इनको बार बार मौका देती हूँ। तबीयत तो इतनी ख़राब हो गई है, ये सब सोच सोच के दिमाग ही काम नहीं कर रहा। एक तरफ प्रेगनेंसी की न्यूज़ है वो तनु के साथ, एक तरफ रेप की न्यूज़ है, एक तरफ शादी की न्यूज़ है, एक तरफ मेरे चिटिंग का मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है आदिल को बहुत ही सबक मिलना चाहिए ऊपर वाले की तरह, और नीचे वाले जो जज बैठे हैं उनको उन पे, मुझे नहीं लगता है कि उनको उन पे रहम करना चाहिए कहीं से भी, जज साहब को या किसी को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की है, बहुत लड़कियों की, आदमियों की भी ज़िंदगियां बर्बाद की है उन्होंने, आदमियों की भी ज़िंदगियां बर्बाद की है। मुझे तो वो जो वीडियो आप लोगों ने कुछ देखा है वो भी मुझे आया है बाइसेक्सुअल का, दिस इज शॉकिंग। मुझे धमकी आ रही है बहुत पॉलिटिशियनों की, वो कहाँ के पॉलिटिशियन है पता नहीं है, शायद उनके माँ बाप धमकी दिलवा रहे हैं मुझे। मैंने उनको कल पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया कि मुझे बात करनी है। इतना आपके बेटे ने इतने गुनाह किए हैं लड़कियों के साथ, आपकी जगह मेरी, आपकी बेटी होती मेरी, मतलब मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलाते? ऐसा करके उनके माँ बाप ने फ़ोन रख दिए, और अब्बास भाई, जाकिर भाई करके, सैफ भाई, ये मैसूर में हैं, तो उनको मैंने ऑडियो भेजा है कि अगर आप सचमुच नमाजी इंसान हो, अल्लाह के बंदे हो, तो मुझे न्याय दिलाओ, आप आदिल के दोस्त हो, मैसूर से हो, मुझे न्याय दिलाओ। उनके माँ बाप उनको अभी तीसरी चौथी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। उनके ख़ानदान में कौन सी लड़की है जो आदिल का हाथ पकड़ी, और कौन सी लड़की इस दुनिया की है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से डिवोर्स लिए बगैर लड़की शादी करेगी?
सलमान भाई का कोई रिएक्शन आया अभी तक? सलमान भाई को अपना एंजॉय करने दे, उनको बीच में ना डाले, उनका मैटर मेरे मैटर से कोई लेना देना नहीं है। उनके उनको क्यों डाल रहे हैं आप लोग बीच में? उनका काम है, सलमान भाई हर वक्त तो नहीं आएंगे, मुझे मेरा बैटल है, मुझे लड़ना है। आपकी तकलीफों को समझते हुए ठीक है, मगर जो आजकल बिग बॉस का जो कल समाप्त हुआ बिग बॉस, उसमें तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश हूँ कि पहली बार कलर चैनल का डिसीजन बहुत ही अच्छा रहा, कि उन्होंने एम्प्टी स्टैंड को जिताया, बहुत अच्छे रैपिंग करते हैं। एक आम इंसान, एक आम लड़का, एक गरीब खानदान का लड़का, एक अच्छा लड़का, उसको जिताया, बहुत ही दिल से खुशी हुई है। थोड़ा सा उधर जाइए, आप उधर जाइए थोड़ा सा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मत फॉलो कीजिए, मुझे मत शूट कीजिए प्लीज़। बहुत ही अच्छा लगा, और सबको हमेशा लगता था कि चेहरा ही, सब लोग यही बोलते थे कि जो वहाँ पे शो किए वही जीतेगा, बट नहीं, इस बार आई प्राउड ऑफ कलर चैनल, आई प्राउड ऑफ बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस टीम के, उन्होंने एमसी स्टैंड को, कोई भी स्टैंड हो, स्टैंड तो स्टैंड होता है ना, जिताया, और बहुत ज़्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो तो पहले से फेमस थे, अभी तो आके उसे प्यार की ज़्यादा मिली है पहले से? नहीं, वो डिजर्विंग है लड़का, बहुत अच्छा है। वैसे तो लास्ट 5 डिजर्विंग होते हैं, सभी विनर होते हैं, बट इस बार का डिसीजन बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत मिस किया, परसों पूछा था तो आप कह रहे थे कि शिव और वो दूसरी आएंगे, आप स्टैंड करा। मुझे ऐसा लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि जो ज़्यादा यू नो ज़्यादा टीआरपी देते या फिर ज़्यादा मनोरंजन करते वो नहीं जीतते, मुझे ऐसा लगा था। बट शुरू से स्टैंड का पल्ला भारी है, भारी है, वही भारी है, स्टैंड का पलड़ा, क्या पलड़ा, तराजू भारी है, तराजू भारी है, तो भाई फिर लई भारी है, वो जीत। लेकिन राखी जी, आपको ये बिग बॉस में बहुत मिस की, लेकिन आपके चाहने वाले मुझे, मैं बिग बॉस मराठी में गई, मैं गई थी बिग बॉस मराठी में वहाँ पे धमाका करने, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मेरे जिंदगी में ही धमाका हो गया। हाँ बोलिए, मैं मीडिया के सामने खड़ी हूँ यहाँ पे, और आपको मैंने कब का बोल दिया भेजो मीडिया के सामने, मैं राखी जी, ये इस बारे में मेरे को कमेंट नहीं करना। राखी जी, ये क्या बोल रहे हैं राखी जी, कौन पूछ रहा है? राजन अर्चना जी को राखी सावंत माना जाता है आजकल, अर्चना को नहीं पता, राखी सावंत देखी है, एक ही रहेगी। अरे वही राजन को कब से बोल रहा हूं, वही राजन को कब से बोल रहा हूं, चलो बस, थैंक यू, कट कट, ये पब्लिक लोग ये सब ए बंद कर, वो मत चलो, अरे लगा लो आपको संगीता मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रही हूं, गौतम भाई को भेजना है, मुझे मालूम है संगीता मैं इंटरव्यू कर रही हूं। ए भाई आ जा, मैं क्या कर, अरे कट 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 कट, चल ए बंद।